ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की गल कर जा रहे हैं। फैब इन टेक में बहुत ही घट समा रह गया, सो जो भी सिंसीयर स्टूडेंट्स ले उन्होंने ये अज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि इस समय के भी किवें सही ऑप्शन के नाल सही रस्ता चुनते हुए अगे वधो और फैब इन टेक वधिया कोर्स चूज करते हुए अपना तुसी सपना साकार कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लैन लई। किहड़े किहड़े स्टूडेंट्स नूं टाइमली सही स्टैप लैना बहुत ही जरूरी है इस समय के बहुत खास गल्लां रहने वाली ने अज की वीडियो। स्वागत है जी सारिआं दा, मैं हाँ हरजोत कौर और ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा दे स्पैशली फब इन टेक लैके एक खास गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनगे नैविगेटर्स ओवरसीज तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार सारे। सो मैम दा तकरीबन 26-27 सालां दा एक्सपीरियंस जो कि मैं हर वारी गल करदी हां, सो कोई भी इनटेक होवे ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਫੈਬ ਇਨ ਟੇਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ? देखो फैब इनटेक वास्ते हर जो टाइम बहुत घट रह गया, लेकिन ये एक अच्छा मतलब जिन्होंने कहना चाहिए अपडेट है कि हजे अप्लाई कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटियां नाल कल ही मेरी मीटिंग हुई है, तो क्योंकि फैब इनटेक है इमीडिएट कुछ यूनिवर्सिटियां दा, तो जो बच्चे दे डॉक्यूमेंट्स पूरे है वन वीक च भी ऑफर लैटर आ सकता है। देखो CBSE दे बच्चे मैक्सिमम यूनिवर्सिटियां लै रही हैं, जेडे स्टेट बोर्ड दे बहुत घट यूनिवर्सिटियां लै रही हैं, राइट। CBSE बच्चे दे 65% 6 band ईच मैक्सिमम यूनिवर्सिटियां दे रिक्वायरमेंट है, बट मेरे को G8 यूनिवर्सिटियां जिदे विच 60% CBSE दे विच 60% या 65% ज़्यादा सी गल करते हैं वो मेन 4 subjects, जब तुसी मेडिकल दे हो, नॉन मेडिकल दे हो, आर्ट्स दे हो, कॉमर्स दे हो, जिहड़े अच्छे वाले मेन सब्जेक्ट्स है जिदे विच तुहाडी लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए है, चाहे पंजाबी होए चाहे हिंदी होए, कोई पेंटिंग हो गई, कोई होम साइंस, ये सब्जेक्ट असी काउंट नहीं करते, तुसी ओ 4 main subject दी परसेंटेज आप काउंट करनी है, जो 60% मिनिमम है। मैं G8 यूनिवर्सिटी तुहाडा एडमिशन करा सकती हाँ विदिन ए वीक, तुहाडा ऑफर लैटर और GTE क्लीयर करा सकती हाँ। अज की डेट के GTE क्लीयर कराना सब तो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि GTE दे विच इन्ना डॉक्यूमेंट्स मंगया जाता है, तुसी खाली जेड़ा अपना परसेंटेज काउंट करो, तुहाडी इनकम 10 to 15 lakh होनी चाहिए है, तुहाडे 3 months ओल्ड फंड होने चाहिए आर बैंक लोन होना चाहिए है, तुहाडा 1 week के अंदर GTE क्लीयर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और जब GTE क्लीयर हो गई तो COE आ गई तो फैब इनटेक तो हजे अपने को बथेरा टाइम है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि असं इन्ने पुराने टाइम तो काम कर रहे हैं, साडे कोल ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸਟ ਵੀ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋਬ ਚਾਂਸਿਸ ਅੱਛੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੰਗਦਾ। ਬਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 9 8 1 5 6 5 7 1 8 4, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 week ਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਮ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿੰਸੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੈਬ ਇਨਟੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਹਟ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 16 December ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ,
और उस तो पहले ऑफर लेटर जरूर ले लेना, अदरवाइज सेमिनार भी हो रहा साडा 16 दिसंबर नु तुसी आ सकदे जी बिल्कुल। सो 16 दिसंबर नु सेमिनार दा हिस्सा बन के स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ढेर सारी ऑप्शंस बारे पता कर सकते हैं। सो इस सेमिनार का हिस्सा तुसी जरूर बनो। सो 16 दिसंबर का जिहड़ा सेमिनार है उत्थे तुसी आस्ट्रेलिया या कैनेडा नू लैके भी किसी स्टूडेंट की क्वेरी है तुसी उत्थे पहुँचो, तुहानू ढेर सारी ऑप्शंस पता चलनगे। इस तो पहला 8 दिसंबर नू यूरोप नू लैके भी सेमिनार जो है नैविगेटर्स ओवरसीज वालों ऑर्गनाइज किया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। सो किसी भी तरह की तुहाडी चॉइस है, तुसी जरूर इन्हां सेमिनार्स का हिस्सा बन के अपने लिए चंगीआं ऑप्शंस का पता जरूर कर सकते हो। कोई होर सवाल है अप्लाई करने बारे हाले सिर्फ सोच रहे हो तो राइट गाइडेंस ही वेट कर रहे थे तो जरूर मैम की गाइडेंस के नाल नैविगेटर्स ओवरसीज की टीम के नाल तुसी कॉन्टैक्ट करके सही ऑप्शन के नाल अगे बढ़ सकते हो। नंबर लगातार डिस्प्ले एज अ पर कॉल भी कर सकते हो तो चंगा होगा जेकर तुसी विजिट करो नैविगेटर्स ओवरसीज के ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स के नाल। सैमीनार भी जो स्टूडेंट्स पहुँचे अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर लैके आन ताकि मौके पर असैसमेंट की जाए, तुहानू सही चीज़ा गाइड की जा सकन। बहुत बहुत थैंक्स मैम, तुसी अज स्टूडेंट्स नू फब इनटेक नू लैके अवेयर किया है कि समा घट है, वधिया ढंग नाल तैयारी करके अगे वधन ते अपना वीज़ा हासिल करन। सो स्टूडेंट्स अपने सवाल साडे नाल कमेंट सैक्शन के जरिए भी सांझे कर सकते हैं। अगों भी असीं तुहाडे लई होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहांगे। फिलहाल ही सानू दिओ जी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।